बस मेरा यही संदेश है कि जो भी कोई काम भी करना है उसे सच्ची निष्ठा से, ईमानदारी से करें, और उसके बाद अगर कोई भी उनके साथ दुर्व्यवहार करता है या उनके आत्मसम्मान को चोट पकड़ देता है तो उसको नहीं सहना है। हम यदि आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रहेंगे तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम अपनी ज़िंदगी का उत्थान अपने आप कर सकते हैं। और समाज और संस्था, सामाजिक संस्थाएं जो एनजीओज हैं, उनसे यही कामना है कि वो लोग इसमें सब जगह जहां भी उन्हें लगे स्त्रियों को सहयोग देते रहें। इस उम्र में आपके दिमाग में कैसे आया कि मसला सीखने? हम लोग हस्बैंड वाइफ दो जन रहते हैं घर में, और मुझे ये लगता था कि फिज़िकली हमको पूरी तरह से फिट रहना चाहिए, इस एज में कोई मुझे कभी किसी किस्म का हार्म ना पहुंचा पाए। और फिर जब सीखना शुरू किया तो मुझे बहुत मज़ा आने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू करती जा रही हूँ, और जब तक फिज़िकली फिट रहूँगी करती रहूँगी। और महिलाओं से क्या कहना चाहें? हर जितनी भी महिलाएं हैं सबको अपने फिजिकल फिटनेस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूर आना चाहिए और ज़रूर सीखना चाहिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।